यानी दुनिया में हर एक मिनट में 60 सेकंड में 28 करोड़ रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग होती है। 15.5 करोड़ ईमेल्स भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप पर 60 सेकंड में करीब 3 करोड़ मैसेजेस भेजे जाते हैं। ट्विटर पर 60 सेकंड के अंदर 3.5 लाख ट्वीट्स किए जाते हैं। गूगल पर 48 लाख सर्च रिक्वेस्ट की जाती हैं हर 60 सेकंड में और यूट्यूब पर 400 घंटे के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हर एक मिनट में हमारे देश भारत में 900 रेलवे टिकट्स ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। भारत में एक मिनट में 3,260 डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और भारत में हर एक मिनट में 25 लाख रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग होती है। यानी भारत हो या दुनिया का कोई और देश, उसके लिए एक मिनट के लिए भी ऑफलाइन रहना आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक है। और एक और काम की जानकारी अब आपको देते हैं। आप जब भी मोबाइल फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर, अपने नए मोबाइल फोन पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में स्क्रीन गार्ड का काम शायद तमाम हो जाएगा। मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट जाना दुनिया भर के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा डर है और इस समस्या का तोड़ जापान के रिसर्चर्स ने ढूंढ लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक सेल्फ मेंडिंग ग्लास बनाया गया है जिसे टूटने के बाद भी जोड़ा जा सकता है और इसके लिए किसी तरह के हीट ट्रीटमेंट या फिर मेल्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेल्फ मेंडिंग ग्लास को टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बनाया है। ये छात्र अपने यूनिवर्सिटी के दूसरे शोधकर्ताओं के साथ ज्यादा मजबूत ग्लास बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी संयोग से इस सेल्फ मेंडिंग ग्लास का आविष्कार हो गया। इसे बनाने वाले रिसर्चर का कहना है कि ये ग्लास टूटने के बाद सिर्फ 30 सेकंड में जुड़ जाता है और इतने कम समय में ही ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस हासिल कर लेता है। ये मटेरियल अपने आप में पहला ठोस पदार्थ है जिसमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। ये नई खोज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फोन यूजर्स को इस बात का सबसे ज्यादा डर रहता है कि कहीं उनकी स्क्रीन टूट ना जाए। आप में से ज्यादातर लोग अपने नए फोन पर स्क्रीन गार्ड लगवाते होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में स्क्रीन गार्ड की जरूरत शायद खत्म हो जाएगी और स्क्रीन गार्ड का बाजार भी समाप्त हो जाएगा।